एज 21 में की लद्दाख जर्नी कंप्लीट। स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे मॉम डैड एंड प्रतीक भाई। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। दोस्तों तो कैसे हो आप लोग? सबसे पहले आप सबको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो आ जाते हैं दोस्तों अभी मेन टॉपिक पे कि 21 एज में लद्दाख जर्नी मैंने फाइनली कंप्लीट की है दोस्तों। और फाइनली जो एक मिडिल क्लास बंदे का जो ड्रीम होता है कि लद्दाख जर्नी हमने को कंप्लीट करनी है अपने लाइफ में एक बार, वो भी बाइक पे, जो नेटिव प्लेस है वहां से लेके लद्दाख तक जाना, ये हर एक का सपना होता है। और मुझे जानता हूँ कि आपका भी ये सपना 101% है। मुझे पता है कि आप भी ये ड्रीम आपका कंप्लीट करना चाहते हो। तो आप अगर करना चाहते हो यार, आप भी कर सकते हो। उसके लिए कुछ बेसिक चीजें आपको करनी पड़ेगी या फॉलो करनी पड़ेगी, ये आपको करना पड़ेगा अगर आप प्लान कर रहे हो तो। आप देखो जो है आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह वो सब क्लियर हो कि आप ये जर्नी करना, क्योंकि इसका बड़ा रीजन है कि अगर आप जर्नी पे जा रहे हो तो आपका माइंड पूरा क्लियर चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि बाइक की जर्नी है दोस्तों। और आप बोलते रहे, पहली बात कि आप 15 अगस्त को वीडियो में बना रहा हूँ, मुझे लगभग एक महीना हो गया। तो यार बोलते हैं ना, कुछ ऐसी ऐसी चीजें हुई मेरे साथ लद्दाख में और लद्दाख के आने के बाद भी, जिससे मुझे बोलते ना थोड़ा एक्सेप्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो प्रॉब्लम इन द सेंस थोड़ा देर होगी आप बोल सकते हो, क्योंकि कैसा बहुत ऐसी पहली लाइफ में पहली जर्नी थी मेरी दूर एकदम बाइक से। तो यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और हम लोग दोनों ही थे। तो क्या क्या हुआ हम लोग के साथ और क्या क्या आपको करना चाहिए और बजट कितना हुआ, ये पूरा आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो आखिर तक वीडियो में बनी रही है। और एक बात, मेरी शक्ल आपको कंटिन्यू नहीं देखनी, तो अच्छे अच्छे मैं आगे शॉर्ट्स डालने वाला हूँ, वो उसके साथ मेरी बातचीत आप सुनते रहिए और वो वीडियोस एंजॉय कीजिए आप। तो डायरेक्ट वीडियोस में मिलता आपको अभी। जैसे कि दोस्तों आप ये जो व्यू पहले तो देख रहे हो, व्यू तो रैंडम व्यू मैंने डाला है जो हम लोग ने एंजॉयमेंट किए रस्ते में जाते रहते, तो वो आप मेरे बातों से कंपेयर मत कीजिए, रिलेट मत कीजिए। और सेकंड थिंग दोस्तों कि आपको मैं बता रहा था कि जैसे कि आपको बोला कि जैसे आप पहले मैप वगैरह सब कैरी कीजिए, पहले वो सब चीजें आप कैरी कीजिए, उसके बाद दोस्तों मेन चीज आती है दोस्तों आप कितने दिन रहना चाहते हो, वो चीज कि कितने दिन आप टूर करना चाहते हो, वहां पे स्टे ले लद्दाख में आप कितने रुकना चाहते हो, वो एक प्लान कीजिए दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों उस तरह से आप मैप बनाइए, क्योंकि हम लोग का था कि 14 दिन हम लोग को रुकना था दोस्तों, और हम लोग का थोड़ा एक दो दिन एक्सटेंड भी हो गया, और कुछ जगह हम लोग को पता नहीं रहने के कारण वो सब चीजें हुई थी। और कुछ कुछ सिचुएशन में दोस्तों ऐसी मुसीबतें आई थी कि हम लोग ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। जैसे कि एक वीडियो में आप देख सकते हो कि हम लोग टेंट वगैरह में रह रहे थे, तो मतलब वो वैसे ऐसी सिचुएशन आई कि उसमें एक्सपीरियंस भी मिला दोस्तों, और मतलब बोलते ना कि मजा भी एक अलग लेवल का था। उसके बाद दोस्तों अच्छे अच्छे व्यू हम लोग को देखने मिले थे, बट वो व्यू सिर्फ देखने के लिए अच्छे थे बट ट्रैवल करने के लिए उतने मुश्किल थे दोस्तों। एंड बोलते ना दोस्तों, एक बात आपको बोल देता हूँ दोस्तों कि आप अगर किधर भी राइड कर रहे हो, लेह में पहुंच के आप खारदुंगला जा रहे हो, कोई भी प्लेस कर रहे हो, पेंगोंग लेक जा रहे हो, तो पहले वो उसके बारे में डिटेल जान लीजिए दोस्तों। आप मेरे भी वीडियोस देख सकते हो, और मतलब बोलते ना उधर के जो रहने वाले उनसे आप पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो। और दोस्तों मेन बात आपको एक बता दूं कि कभी भी गूगल मैप के ऊपर ट्रस्ट मत रखिए। अगर आप लॉन्ग रूट जा रहे हो, आप हाईवे टू हाईवे जा रहे हो, तो इजीली गूगल मैप यूज कर सकते हो, बट आप गूगल मैप के भरोसे मत बैठना दोस्तों, क्योंकि वो सबसे बड़ा रिस्क होता है। जैसे कि आपको मैंने एक वीडियो में बोला था, हम लोग को मिल गया था चकवा, इन द सेंस मतलब आपको डराना वगैरह नहीं चाहता, भूत वाला सीन ऐसा कुछ बोल के आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, बट हम लोग के साथ हुआ था इसलिए हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हम लोग के साथ दो तीन जगह पे ऐसे भी हुआ था कि हम लोग एक ही जगह पे 4-5 बार घूम रहे थे, हम लोग को पता चल रहा था, क्योंकि उधर जो एक बार आप जगह देख रहे थे और रात को तो आपको एक याद में रह जाता है, उधर एक घर का हम लोग ने देखा था, दुकान जैसा था वो, तो वो ही रास्ते पे हम लोग बार बार आ रहे थे। पंजाब में भी सीन हुआ ये, राजस्थान में भी हम लोग ऐसा सीन हुआ रात के समय ट्रैवलिंग करते वक्त। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि रात के समय ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, और क्योंकि और हरियाणा साइड में तो हम लोग को चोर वगैरह भी मिल गए थे थोड़ा, कि हम लोग को रुका रहे थे, गमछा वमछा बांध के हम लोग के पीछा कर रहे थे, वो सब चीजें हो गई थी दोस्तों। तो थोड़ा मैं भी पैनिक हो गया था, ये तो ठहरो कि आप जाने की बात, बट दोस्तों वहां पे पहुंच के जो हम लोग को मुसीबत है दोस्तों, पहली बार तो आपने सब वीडियो में देखा रहेगा कि मेरी टोटल 3 बार दोस्तों बाइक बंद पड़ गई थी। उसके बारे में आपको पहले बता दूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बाइक ने मेरा साथ नहीं दिया, एक कहां पे तो हम लोग की गलती थी दोस्तों, वो गलती के वजह से हम लोग को ये खामियाजा भुगतना पड़ा दोस्तों। एक्चुअली
खारदोंगला से उतर के हम लोग ने जब खारदोंगला पे पूरा मतलब बोलते ना एंजॉय करके जब नीचे आए दोस्तों उसके बाद ही हम लोग के सीन चालू हो गए। तो पहली बार आपको बताओ तीन जगह अपनी गाड़ी बंद पड़ी थी, पैंगोंग लेक में, पैंगोंग लेक के जो चांगला पास है वहां पे, और पहले तो बीकानेर में पड़ी थी चांगला पास, और उसके बाद डायरेक्ट मनाली का जो रूट था पांग गांव करके है वहां पे, पांग वहां पे हम लोग की गाड़ी बंद पड़ी थी। तो उसके पीछे दोस्तों जो जिम्मेदार है वो हम लोग ही कहीं ना कहीं थे, क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम ऐसा हो गया था कि हम लोग का जो वेट था दोस्तों बहुत ज्यादा था, टेंट बैग जो हम लोग का स्लीपिंग बैग था, हम लोग का खाना पीना था, गैस वगैरह सब सब था, कपड़े भी ज्यादा थे, आपने लगेज देखा रहेगा वीडियोस में। तो उसके वजह से हम लोग का थोड़ा वो प्रॉब्लम हो गया कि हम लोग एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां सिर्फ क्लाइंबिंग ही करना है गाड़ी को, तो वहां पे हम लोग ज्यादा वेट ले गए थे, ऊपर से डबल सीट थे तो गाड़ी के 250 के ऊपर तो गाड़ी का वेट चला गया था दोस्तों, उसके वजह से एक प्रॉब्लम आया। और सेकंड चीज दोस्तों हम लोग को मैकेनिक अच्छा नहीं मिला ले में, बाकी बीकानेर वाला जो था वो अच्छा था बंदा, ले में हम लोग को मैकेनिक ने थोड़ा चूना लगा, वहां पे हम लोग को एड़ा बनाया गया। तो वहां पे सब ध्यान रखिए कि आप ऐसे जगह पे जा रहे हो तो एक मैकेनिक वगैरह सब अच्छे से देख के रखिए, और अच्छे मैकेनिक के पास और हो सके तो शोरूम में ही आप करें, क्योंकि वहां पे सब हिमालयन और बुलेट के ज्यादा करके काम होते हैं। और एक सीन दोस्तों कि आपको मेन बात बता दूं, देखिए दोस्तों हमारी हेल्प के लिए दोस्तों वहां पे एंड टाइम पे आर्मी आ गई थी, जो ट्रक वाले थे वो भी उन्होंने हम लोग की हेल्प की थी, वो कैसे की तो आप मेरे वीडियोस जाके है वीडियोस में जाके देख लीजिए, आपको पूरे डिटेल पता चलेगा कि हम लोग की कितनी बुरी हालत हुई थी। वो ये सब होने के बाद ना दोस्तों की थोड़ा बोलते ना अंदर एक डर बैठ जाता है कि दोस्तों की आगे क्या होगा, और हम लोग का आगे भी आगे जाके मेरे गाड़ी को भी ज्यादा खर्चा आया था, मुंबई में आके भी मुझे खर्चा झेलना पड़ा, तो वही रीजन के वजह से हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। और मेरा भाई भी आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता जो उसने एक्सपीरियंस की, वो आपसे भी वो भी बोला था कि मैं भी अपने एक्सपीरियंस थोड़े शेयर करना चाहता हूँ, तो उसका भी एक छोटा सा वीडियो क्लिप है वो पूरा आप देख लीजिए, उससे भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा दोस्तों कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं। तो फटाफट वीडियो देखते हैं और आपको मिलता हूं वो वीडियो के बाद। जय हिंद जय शिवराय दोस्तों, 75वें इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को शुभकामनाएं, और भाई ने तो आपको बता दिया होगा, और बस मैं मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ लेह लद्दाख राइड के बारे में। आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप लोग भी जा सकते हो बजट निकाल के लेह लद्दाख, आपको बस पेट्रोल के खर्चे पे, रहने का खर्चा, खाने पीने के खर्चे पे ध्यान देना है, और उसके अलावा आपको थोड़ा सा एक्सपेंस आपको बचा के, मतलब थोड़ा सा पैसे बचा के आपको इमरजेंसी के लिए भी रखना है थोड़ा सा, और उसके अलावा आपको राइडिंग गियर्स जरूरी है, कंपलसरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आप प्रॉपर राइडिंग गियर्स में उस वहाँ पे जाए, जो चीज़ें नहीं ज़रूरत की चीज़ें नहीं है वो अवॉइड करें, कि बाइक पे थोड़ा सा लोड कम करे करके उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और गूगल मैप्स के अलावा आपको जिस प्लेसेस पे जाना है वहाँ की इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए, क्योंकि उसमें आपका टाइम बच जाएगा। और बस यही शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग ने भी हम लोग का पूरा बजट और प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम लोग वहाँ पे गए थे, इसके लिए हम लोग का वो पूरा राइड सक्सेसफुल हुआ और उसका हम लोग को खुशी है। बहुत सारी डिफिकल्टीज आई उसके अलावा, और उन डिफिकल्टीज के अलावा हम लोग ने वो पूरा राइड कम्प्लीट किया, उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। बाइक्स में भी उसका बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स आया, तो बाइक के लिए एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब भी ध्यान देना कि आपके टायर्स पे ध्यान देना, आपके ऑयल पे ध्यान देना, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके गाड़ी के कंडीशन पे आप ध्यान देना। यही एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ कि आप ले लद्दाख सक्सेसफुल कर सकते हो, आपको जाना है तो आप जा सकते हो, बस पूरी चीज़ें पूरे प्लानिंग के साथ जाना, पूरी चीज़ें आपको जो ज़रूरी है वो साथ में रखना। और वहाँ पे ले लद्दाख में जाओगे तो आप ज़रूर वहाँ पे ले लद्दाख में जाने के बाद में आप ज़रूर कारगिल और हॉल ऑफ फेम वो ज़रूर आप करना। वहाँ पे सोल्जर्स हमारे लिए दिन रात वहाँ पे खड़े रहते हैं, उनको दिल से सल्यूट। बाकी के एक्सपीरियंस भाई आपको बता देगा, जो भी कुछ रहेगा वो चीज़ें सारी भाई आपको शेयर कर देगा। उसके लिए ज़रूर एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और ज़रूर हमारी फैमिली में जुड़िए, और बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करनी बाकी है, तो ज़रूर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो जैसे कि दोस्तों आपने भाई की भी बातें सुनी, और थैंक यू सो मच भाई इतना सपोर्ट करने के लिए और हमारे साथ जर्नी करने के लिए, आगे भी बहुत सारी जर्नी करनी है एक साथ, तो वीडियो में आप बने रहिए, मेरे चैनल में बने रहिए जो नए लोग हैं। और एक दोस्तों आपसे बोलना चाहूंगा, अभी आ जाते हैं बजट पे दोस्तों। तो बजट की बात करें तो दोस्तों बजट का ऐसा सीन है दोस्तों कि बजट हम लोग को टोटल हुआ दोस्तों 50,000 हम लोग का टोटल कॉस्टिंग गया दोस्तों, आने का जाने का खाने का पेट्रोल जो आप सब पकड़ के चलो उसका 50,000 हम लोग का गया। हम लोग ने 40,000 का बजट पकड़ा था
दोस्तों, 40,000 हम लोग ने पूरा कैलकुलेशन पकड़ा था, बट गाड़ी का थोड़ा बोलते हैं ना खर्चा होने के वजह से गाड़ी का लगभग हम लोग का 7,500-8,000 खर्चा गया दोस्तों वहां पे, और समझो 2,000 हम लोग के ऐसे गए कि शॉपिंग की वो की, तो उसके वजह से थोड़ा हम लोग का 10,000 एक्स्ट्रा चला गया। हम लोग ने 45 का बजट पकड़ा था, एक्स्ट्रा 5,000 हम लोग ने ऊपर पकड़े थे, बट 10,000 का चला गया दोस्तों। तो 50,000 का हम लोग का पूरा टोटल बजट गया दोस्तों, हम लोग को तो ठीक ठाक लगा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। आप भी जो मिडिल क्लास है, पहली बात तो मिडिल क्लास बंदे इसको फॉलोअप कर सकते हैं, जो दो जन मिलके आप जा सकते हो, तो कौन सी बाइक हो नो मैटर दोस्तों, बाइक मैटर नहीं करती हमेशा, आपके आपका बोलते हैं जज्बा मैटर करता है कि आप जाना चाहते हो। वहां पे शाइन वाले, पैशन वाले भी बंदे आते हैं, एक्टिवा वाले भी बंदे आते हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि आपके पास बाइक नहीं तो आप जा नहीं सकते। आप बिंदास जाओ, एंजॉय कीजिए लद्दाख की जर्नी अगर आप जाना चाहते हो। और मिडिल क्लास जो मेरे भाई है, आप बिंदास जाओ, आप थोड़ा सेविंग कीजिए, बट टेंशन फ्री होके जाइए, राइड अच्छे से कीजिए आप कोई भी जाना चाहते हैं। और कोई भी क्वेरी से तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो दोस्तों इतने सब पंगे और इतना सब खर्चा अपना हुआ, तो कोई भी आपको क्वेरी सेगी तो मुझे बिंदास पूछिए, आपको पूरा डिटेल बताऊंगा मैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने फैमिली में ऐड होना भूलना मत, मैं बहुत आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आगे अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने मिलने वाले। तो दोस्तों यही था आज के पूरे वीडियो में, और आगे अच्छे अच्छे नए व्लॉग आने वाले, तो स्टे कनेक्टेड। जय हिंद जय।